हर जगह सब काम चल ही रहा है तेजी से, सोलर स्ट्रीट लाइट पर काम जारी है, तो आप सोच लीजिए कि अब कितना अच्छा। कई पंचायत में देख और जहां भी हम गए वहां पर हम कहे कि नहीं नहीं इसका संख्या भी बढ़ा देना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। बिहार सरकार पंचायती राज विभाग की तरफ से एक नया दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिससे बिहार के आम जनता को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, यानी जो भी हमारे बीच सरकारी योजना चलाई जा रही है पंचायती राज विभाग की तरफ से, जैसे कि सोलर स्ट्रीट लाइट योजना है, हुआ नल जल योजना है और भी बहुत सारी योजना है, उसमें भी बहुत ज्यादा सुधार आएगा। ठीक है, अच्छी तरह से देखभाल किया जाएगा, इसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा और ये जो बाकी वीडियो से हटकर वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देरी किए बिना करते हैं वीडियो का स्टार्ट। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो को भावना में खो जाएंगे तो वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे, क्योंकि एक लाइक हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देता है आगे का नेक्स्ट वीडियो बनाने में और अच्छा लगता है हमें बनाने में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फाइनली दोस्तों, देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर पेपर कटिंग देख लाई दर्जे को 22 अप्रैल 2023 को ये पेपर कटिंग रिलीज किया गया। आप लोग सोचेंगे कि हमेशा जो वीडियो बना रहे हैं वो पेपर कटिंग के माध्यम से ही बना रहे हैं, तो वैसा ही वो वीडियो होगा, लेकिन कुछ अलग है इसमें। आप वीडियो को देखेंगे 2 मिनट तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ अलग है। ठीक है, हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं वीडियो देखने के लिए, ताकि आपको हर पेपर कटिंग में जो भी अपडेट आता है बढ़िया बढ़िया ही अपडेट आता है। ठीक है, लेकिन ये जो अपडेट है बहुत ही बढ़िया है, आप देखेंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगा। देख सकते हेडिंग में बताया गया है पंचायतों में 20 योजनाओं की हर माह कराई जाएगी जांच। ठीक है, जो भी पंचायत है 20 योजनाओं की हर माह कराई जाएगी, उसकी जांच कराई जाएगी। तो कौन से लोग आएंगे जांच करने के लिए, ठीक है, कब कब जांच होगी इसमें बताएगा। देख सकते हैं सौंदरता पटना बताया गया, राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। ठीक है, यानी आप सभी को पता ही होगा, जो भी बिहार सरकार यानी कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में नागरिकों को बेहतर सुविधा मिल सके उसके लिए यानी कई योजनाएं चलाई जा रही है। आप समझ सकते हैं सोलर स्ट्रीट लाइट योजना है, नल जल योजना है और कभी कभी नवीकरण योजना है। ठीक है, यानी योजना चलाई जा रही है। इन योजनाओं की वास्तविक स्थिति क्या है और गांवों को नागरिकों का इसका 100% लाभ दिया जाए, इसके लिए पंचायती राज विभाग ने तकनीकी सहायकों को हर माह 20 योजनाओं की निरीक्षण रिपोर्ट पंचायती राज पदाधिकारी को देने का निर्देश दिया है। ठीक है, यानी आप समझ सकते हैं इसमें बताया गया कि इन योजनाओं की जो वास्तविक स्थिति क्या है, कि कौन सी योजना किस हाल में है और गांव के नागरिकों को इसका कितना लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या उसका ख्याल हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। जो भी नल जल योजना है आप समझ सकते हैं कि बहुत से एरिया में जो नल जल योजना चल भी रहा है और इन लोगों को लाभ मिल रहा है, बहुत सी योजना ऐसे है यानी बहुत सी जो जगह है जहाँ पर नल जल योजना पर लाभ ही नहीं मिला है, यानी अभी तक पानी नहीं मिला है। ठीक है, बताएगा इसके लिए पंचायती राज विभाग ने तकनीकी सहायकों को, यानी ठीक है, यानी तकनीकी सहायक जो भी यानी कि जो योजनाओं की जांच करेंगे तकनीकी सहायक को हर माह यानी 20 योजनाओं के निरीक्षण रिपोर्ट पंचायती राज पदाधिकारी को देने का निर्देश दिया है। ठीक है, यानी जो भी तकनीकी सहायक है वहाँ के यानी 20 योजनाओं का निरीक्षण रिपोर्ट पंचायती राज पदाधिकारी को देने को निर्देश दिया है, बताएगा। देख सकते साथ ही साथ और भी क्या जानकारी दिया गया बताएगा। देख सकते साथ ही इस रिपोर्ट को पंचायत निश्चय सॉफ्टवेयर अपलोड किया जाना है। ठीक है, और जो भी रिपोर्ट यानी जो पंचायती राज पदाधिकारी को देना है वही रिपोर्ट यानी पंचायत निश्चय जो सॉफ्ट बनाया गया है बिहार सरकार पंचायती राज विभाग उस पर भी अपलोड किया जाना है, जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। बहुत से हमने वीडियो भी बनाया पंचायत निश्चय सॉफ्ट पर। ठीक है, यानी कि जो भी सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को लेकर, नल जल योजना को लेकर कितना कौन से एरिया में बन गया है, कितना खर्च है, उस पर जो भी पंचायत निश्चय सॉफ्ट अपलोड किया गया डाटा उस पर वीडियो बनाया, अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन में मिल जाएगा और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वीडियो, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, यानी जो भी पंचायत निश्चय सॉफ्टवेयर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, जो भी इकट्ठा होगा रिपोर्ट यानी जो भी तकनीकी सहायक रिपोर्ट इकट्ठा करेंगे 20 योजना का निरीक्षण रिपोर्ट पंचायती राज पदाधिकारी को देने के निर्देश दिया है, और साथ साथ जो भी इसका रिपोर्ट है पंचायत निश्चय सॉफ्टवेयर अपलोड यानी कि पोर्टल है उस पर भी अपलोड किया जाना है, पता है क्या, जिससे मुख्यालय स्तर पर निगरानी भी रखी जा सके। पंचायती राज विभाग की ओर से प्रत्येक पंचायती राज विभाग की ओर से प्रत्येक 4 पंचायत पर एक तकनीकी सहायक के संविदा के आधार पर नियोजन किया गया है। ठीक है, सबको पता है कि यानी 4 पंचायत पर एक तकनीकी सहायक को संविदा के आधार पर यानी भर्ती किया गया यानी नियोजन किया गया। तकनीकी सहायकों की जिम्मेदारी है कि वो विकास की जिस स्कीम को पंचायत में चुना गया है उसका तकनीकी प्रबंधन, उसका एस्टिमेट तैयार करना है और स्कीम के लगातार तकनीकी मॉनिटरिंग करना है, मापी पुस्तिका तैयार करना, गुणवत्ता की जांच करना और स्कीम के क्रियान्वयन की रिपोर्ट तैयार करना और पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण नागरिकों को जीवन में उत्थान के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना संचालित की जा रही है, इसके तहत 69,055 योजना संचालित की जा रही है। ठीक है, तो यही अपडेट निकल कर रहे हैं, यानी जो भी आपकी जो पंचायत में जो योजना चल रही है पंचायती राज विभाग की तरफ से जो भी योजना बनाई गई
उसको आने की योजना तकनीकी सहायक आएंगे और माँ के 20 योजनाओं का निरीक्षण रिपोर्ट पंचायती राज पदाधिकारी को देंगे और साथ साथ वो भी जो पंचायत निरीक्षक सब बनाएगा उस पर भी अपलोड रहेगा ताकि उससे हो सके कि कौन सी योजना किस हाल में है, कौन सी योजना किस एरिया में लाभ मिल रहा है या नहीं मिला है, इसका रिपोर्ट लगातार मिलता रहेगा और ऐसा जांच करने पर जो भी योजनाएं चले वो अच्छी तरह से चलेगी भी। ठीक है, तो अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये अपडेट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अच्छा से कमेंट करिएगा। आपको किसी प्रकार का सवाल है हमसे करने का तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और ये किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए भी कमेंट करेंगे ताकि हम उस टाइप का वीडियो भी आपके सामने लाते रहें ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा अपना जो भी, अगर आप कौन से जिले से भी वीडियो देख रहे हैं कि आपके यहाँ सोलर लाइट लग गई है या नल जल का पानी मिल रहा है, यानी जो भी सरकारी योजना है पंचायती राज विभाग की तरफ से बनाई गई है वो क्या उसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिला है, आपका राय दीजिएगा जरूर। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त।